नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजप्रीत स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है जयपुर, इसने आज 16 तारीख को जो है आपकी प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट 2022 के लिए भर्ती का जो है विज्ञप्ति निकाल दी है। इस विज्ञप्ति में हम आपको बताएंगे कि कितने पद आए और क्या क्या योग्यताएँ मांग रखी है और क्या है, और डिटेल अगर आपको ये डिटेल जो है आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है विपुल एजुकेशन, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले प्रयोगशाला सहायक विज्ञान जो है आपके विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग में है, जिसके गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP में 218 पद है, जबकि TSP में 243, टोटल 461 पद है। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कृषि विभाग में 16 पद है, 15 नॉन TSP के, 1 TSP में। प्रयोगशाला सहायक विज् ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में 308 पद है, 282 नॉन TSP में, 26 TSP में। प्रयोगशाला विज्ञान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 14 पद है, वो भी नॉन TSP में। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान ये राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 48 पद, वो भी नॉन TSP में। प्रयोगशाला सहायक भूगोल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय 123 नॉन TSP में, 5 TSP में 128। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय 35 है नॉन TSP में, 2 है TSP में 37, यानी नॉन TSP के 735 और TSP के 277 मिलाकर कुल 1012 पदों पर ये भरे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपको विशेष नोट दिया गया कि आवेदक को चयन के बाद जिस विभाग में पद पर प्रतिस्थापन जाता है उस उन विभाग यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा और राज्य विधि प्रयोगशाला प्राथमिकता के ऑनलाइन निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। ठीक है, अलग अलग है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म है, आइए आवेदन की प्रक्रिया आपको बता रखी है। SSOID के माध्यम से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नोट आवेदक, ये पूरा आप देख सकते हो। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग की 450, राजस्थानी नॉन क्रीमिलियर यानी पिछड़ा अति पिछड़ा और EWS वालों के 350 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 250 रुपये। इसके अलावा जो है आपके अनुसूचित जाति के समान ही परीक्षा शुल्क है, मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है उनको भी 250 रुपये। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके फीस एक बार जमा होने वापस नहीं लौटाया जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र जो है आपको आदमी है प्रयोगशाला के रिक्तवार पदों का वर्गीकरण आरक्षण, ये जो है आरक्षण वाला है, इसमें आप देख सकते हो सारा। इसके बाद हम चलते हैं फोरम की डेट पर, देखते हैं फोरम डेट जो है कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वाला है, आपके दिव्यांगजन वाला है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से वेतन, हाँ शैक्षणिक योग्यता देख लो। माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए है उसमें आपको वैकल्पिक विषयों में निम्नलिखित विषय में कम से कम 3 आपके साथ सीनियर सेकेंडरी अनिवार्य होनी चाहिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान, गणित और देवनागरी लिपि में हिंदी का एक अन्य ज्ञान और राष्ट्रीय संस्कृत ज्ञान। आपके जो पद कोड 2 से 5 है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त से आप विज्ञान के साथ सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य होना चाहिए, देवनागरी लिपि वाला होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक भूगोल वाला है तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय का सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसकी समतुल्य परीक्षा देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य का ज्ञान आवश्यक, परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती नियम अनुसूचित में अपेक्षा वाले पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है आवेदन के पात्र होगा। जो चयन लिखित परीक्षा वाले अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य वाला है, आपके चरित्र वाला है, राष्ट्रीयता है, फिर आयु जो है आपके 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष का हो चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। ठीक है, इसके अलावा ये सर देख है पेंशन, विवाह, पंजीयन वाला, आवेदन शुल्क, परीक्षा माह व दिनांक 28 व 29 जून को जो है ये परीक्षाएँ होगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र, नियुक्ति योग्यताएँ, आवेदन कैसे करें ये दे रखा है इसमें, फॉर्म डेट कहाँ है, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, प्रमाण पत्र, फॉर्म डेट कहाँ है, फॉर्म डेट एक मिनट, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे ये देख लेता हूँ। हाँ ये रहा आवेदन शुल्क पत्र, 25 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये है इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी प्रेस करने के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।